पाँच से छः साल बाद इस गीजर का सर्विस हो रहा है और पाँच से छः साल में इस गीजर के अंदर इतना सारा गंदगी भर गया जिसको देखकर आपका आँख खुल जाएगा। जैसे लग रहा है कि गटर का या नाली का गंदगी इसके अंदर भरा हुआ है। ये देखिए कितना सारा निकला है। इस गीजर का सर्विस करने के लिए अभी हम मधेपुरा आए हुए हैं। लगभग 5 से 6 साल पुराना ये गीजर है और 5 से 6 साल में एक बार भी इसका सर्विस नहीं हुआ है, तो फर्स्ट टाइम इसका सर्विस होगा आज। जिस भैया के यहाँ इस गीजर का सर्विस करने के लिए आए हैं वो भैया खुद बोले हैं कि भैया मेरे यहाँ जो पानी है उसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है इस गीजर से कचरा बहुत ज्यादा निकले। वैसे जिस कंपनी का ये गीजर है ये कंपनी थोड़ा सा लग्जरी टाइप का गीजर बनाता है और इस गीजर को भैया दिल्ली से लाए थे, यहाँ नहीं खरीदे थे। नीचे से थोड़ा सा ज्यादा हाइट पर ये गीजर लगा हुआ है इसीलिए सीढ़ी से अब उजड़ चढ़ रहा है इसको खोलने के लिए। उससे पहले हम ये प्लग निकाल देते हैं नहीं तो झटका मार सकता है। अब इस गीजर के अंदर देखिए कितना सारा तामझाम लगा हुआ है। ये सारा तामझाम सेफ्टी के पर्पज से लगा हुआ है। मान लीजिए कि बाय चांस इसके अंदर एलिमेंट फट गया, एलिमेंट फटते ही गीजर का पानी जहां तक जा रहा है वहां तक करंट फैल जाएगा और ये करंट न फैले इसीलिए ये सारा डिवाइस लगाया गया है इसके अंदर, करंट को तुरंत कट ऑफ कर देगा। सबसे पहले यहाँ पर यह है थर्मोस्टेट जो कि पानी के टेम्परेचर को सेंस करके उनको कंट्रोल करता है। उनके बाद यहाँ पर लगा हुआ है ऑटो कट या ओवरलोड बोलिए, ये क्या करता है टैंक के ओवरहीटिंग को सेंस करता है। या टैंक ओवरहीट हो गया तो करंट को कट ऑफ कर देगा या टैंक के अंदर पानी में करंट फैल गया तो भी करंट को कट ऑफ कर देगा। इस गीजर का सर्विस करने के लिए अबूजर को ही सौंपे हैं, हम सिर्फ बैठ करके देख रहे हैं, तो ये वायरिंग ना भूल जाए इसीलिए इसका फोटो खींच रहे हैं। देखिए एलिमेंट को तो बाहर निकाल लिया और इस एलिमेंट का स्थिति अभी भी ठीक ही ठाक है, जबकि 5-6 साल इस गीजर को हो गया है और पानी के अंदर आयरन भी काफ़ी है तब भी देखिए एलिमेंट का स्थिति बेहतर है, बढ़िया है, कुछ बिगड़ा नहीं है ज़्यादा। वो बात अलग है कि पानी में आयरन होने की वजह से गीजर के अंदर कचरा ज़्यादा होगा लेकिन एलिमेंट जो है सेफ है। अभी इस गीजर को मात्र एक बार खंगाले हैं और इसके अंदर से देखिए कितना सारा गंदगी निकला है, पूरे यहाँ से वहाँ तक फरस पर जो है फैल गया है गंदगी। एक जगह अगर इकट्ठा होता तो कुछ ज़्यादा ही लगता दिखने में, लेकिन पानी के साथ हर तरफ जो है बिखर गया है इसीलिए कम लग रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी था इसके अंदर। अभी तो मात्र एक बार खंगाले थे, 3-4 बार और खंगालेंगे क्योंकि इसके अंदर और जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी निकल जाएगा।
अभी धूप निकला हुआ था बाहर में, इसीलिए सोचे कि 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रख देते हैं ताकि जहाँ जहाँ पानी गया वो सूख जाए, जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्ट सब जो लगेगा। जितना भी पार्ट्स था सबको धूप में रख दिए थे 5-10 मिनट के लिए। अब ये सूख चुका है, अब इसको फिट करना चालू करेंगे। कई बार होता है कि खोलने के बाद जो पाइप कसने पर पानी लीक होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसके ऊपर टेफ्लॉन लपेट रहे ताकि वो झेली खत्म हो जाए। लास्ट में एक बार फिर से इनका कचरा देख लीजिए, कुछ रह गया, कुछ बह गया, जहाँ पर इकट्ठा हुआ वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लगता है दिखने में, अब बाकी नाली के थ्रू निकल गया बाहर। अब इनके अंदर हम लाइट देकर के इनको चालू कर दिए, इनका टेम्परेचर मीडियम पे रख दिए और इसको चालू भी किए हैं, तो इसके अंदर पहले पानी भरे हैं उनके बाद ही चालू किए, क्योंकि खाली गीजर कभी भी नहीं चलाना है, ऐसे में गीजर का एलिमेंट फट सकता है। अब फर्स्ट क्लास एकदम पानी गर्म हो रहा है, गर्म तो पहले भी हो रहा था लेकिन वही कचरा की वजह से जो है साफ करना पड़ा, तो पानी अभी फर्स्ट क्लास गर्म हो रहा है। अगर आप भी गीजर यूज कर रहे हैं, आपके भी गीजर का 2 साल से ज्यादा हो गया है, 3 साल 4 साल 5 साल या जितना भी दिन हुआ है, आपके यहाँ पानी के अंदर आयरन बहुत ज्यादा आ रहा है या आपके यहाँ पानी जो है बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है, तो गीजर का सर्विस करा लीजिए। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर करंट आ जाएगा, ये है कि उसके अंदर गंदगी देखिए कितना रहता है, वही पानी से तो आप नहाते भी है ना, तो गीजर के अंदर गंदगी देखिए रहे कि कितना निकलता है, इसीलिए कोई भी चीज़ साफ सुथरा रहता है तो ठीक रहता है। अपने अपने नियर बाय में जो भी टेक्नीशियन है उनको बुला बुला करके अपना गीजर का साफ सुथरा करवा लीजिए।